हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अडूला पॉइंट। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं 13 अगस्त की कार्य पत्रक नंबर 17 गणित कक्षा 9 के लिए है। इस वर्कशीट में, इस कार्य पत्रक में हम लोग हर का परिमेयकरण सीखेंगे। अब नीचे हर में दो संख्याएं हैं, है ना। पिछले वर्कशीट हमने सिर्फ एक ही संख्या करनी वाली थी, हमने सीखा था, उसको आप लोग देख लीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को आप देख सकते हैं, पिछली वीडियो की वर्कशीट नंबर 16। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इस रूप में कोई संख्या है, 1/a + b√y या 1/√x + √y, है ना, तो हम इसको कैसे करेंगे। इस प्रकार की वास्तविक संख्याओं का हर परिमेयकरण करने के लिए हम लोग समझते हैं इसको। सबसे पहले जान रखिए, एक सरसमीका है, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए आप। a + b × a − b होता है a² − b² बस इसको ध्यान रखना आपको, बहुत ध्यान से ये यूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर के परिमेयकरण टॉपिक में, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं, 1/√3 + √2। हर का परिमेयकरण करना है, ये लिखा हुआ है ना। हम क्या करेंगे, जो हर में संख्या वही ऊपर नीचे उतार देंगे, बस प्लस की जगह माइनस निशान या माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/√3 + √2 × √2 / √2। वही संख्या ऊपर नीचे हमने गुणा की, बस क्या फर्क है, निशान चेंज हो गया। अब हम नीचे देख रहे हैं कि नीचे बन गया ये a + b और ये है a − b। a + b × a − b क्या होता है, हमने फॉर्मूला किया ना, इसको जरूर लिखना है यहाँ पे, a + b × a − b। a क्या है, देखिए a है 2√3 और b है यहाँ पे √2। तो a + b a − b होगा a² − b² यानी कि 2√3 2 − √2 2। तो नीचे तो ये बन गया और ऊपर ये एक से संख्या गुणा हो गई, तो ऊपर एज इट इज आ गया। नीचे क्या आएगा, इसका स्क्वायर, 2√3 2 मतलब होता है 2√3 × 2√3। मैं समझा रही हूँ, इसे देख लीजिए ध्यान से। तो 2 × 2 कितना हो गया, 4, और √3 और √3 3 अब तक तो आ गया होगा, तो 4 × 12 ये 12 ऐसे आया। और √2 2 तो पता ही है, √2 × √2 यानी कि 2 ही आना है। 12 में से 2 गया 10, तो ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया ना। चलिए अब समझते हैं आगे क्वेश्चन। आगे देखिए, हमने क्या सीखा है कि हर में अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलना है, तो इसको बोलते हैं परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, जिसमें हमने ये फॉर्मूला यूज किया, 1+b × a − b = a² − b², ठीक है। अब इन सवाल को करते हैं, चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, 1/√5 + √3। तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, √5 + √3 है ना नीचे, हम ऊपर नीचे इसी को गुणा करेंगे घटा के रूप में, √5 / √3, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 से अगर इस संख्या को गुणा करेंगे तो यही आएंगी √5 / √3, और नीचे बन गया a + b, ठीक है, ये a + b है, ये a + b, तो ये हो जाएगा a² यानी कि √5 2, फिर −b² यानी कि √3 2, तो ये आ जाएगा √5 / √3 और बटा में √5 2 5 होता है और √3 2 3 होगा, √3 × √3, ठीक है, ये मैंने ऊपर बता दिया था। तो √5 / √3 बटा में आ गया, 5 में से 3 गया 2, ये हमारा आंसर है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5/√3 है, तो हम क्या करेंगे, 7 + √3 है, तो 7 + √3 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे √3 से, तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ 5 है, यहाँ पे 1 था, तो 1 से गुणा करने पे ऐसे देता है, लेकिन ये 5 से गुणा होगा, ऐसे 5 × 7 √3। अब नीचे वही a + b a − b या a − b a + b, आना वही है a² − b² a क्या है 7 और b है √3, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया, देखिए ये तो ऐसे रह गया, 5 × 7 + √3 और नीचे आ गया 7 2 यानी 7 × 7 49, √3 2 3 आता है। अब इसको घटा दीजिए, 9 में से 3 गया 6, ये 46 आ गया, 5 7 ऊपर है, 7 √3, ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर है, तरीका आना चाहिए आपको अच्छे से ना। अब इसमें हर का परिमेयकरण करते हैं, तो हम वही करेंगे, हर में जो 2 √3 है ना, किसे गुणा करेंगे, 2 √5 है, 2 √5 से हम गुणा करेंगे, तो
इंटू दो घटा रूट पांच हो गया, और नीचे वही फॉर्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जरूर लिखना है हर सवाल में। ए स्क्वायर, ए यहाँ पे क्या है दो, दो का स्क्वायर माइनस रूट पांच का स्क्वायर, तो आंसर आ गया माइनस तीन इंटू दो घटा रूट पांच बटा दो का स्क्वायर, दो गुना दो चार होता है, रूट पांच का स्क्वायर पांच आएगा, रूट पांच गुना रूट पांच पांच आता है, ठीक है। तो चार में से पांच गया माइनस एक आ गया, साथ में तीन है यहाँ पे दो घटा रूट पांच, तो माइनस आप ऊपर ले लीजिए, नीचे एक है तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस तीन दो घटा रूट पांच, आप इसको गुणा भी कर सकते हैं या एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, क्लियर आ गया। तो ये हमारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन, इसमें कैसे गुणा करेंगे, दो रूट पांच जमा रूट तीन से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, दो रूट पांच जमा, जमा क्यों आया क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ माइनस जो चिन्ह यहाँ इसका उल्टा चिन्ह लगाना है परमेटर में। अब ऊपर एक से गुणा करेंगे संख्या को तो एज इट इज ऊपर आ जाएगा दो रूट पांच जमा रूट तीन, और नीचे आएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर, ए है दो रूट पांच का स्क्वायर माइनस रूट तीन का स्क्वायर। अब ध्यान से यहां देखिए ऊपर दो रूट पांच का स्क्वायर यानी दो रूट पांच दो बार लिख लीजिए, दो दूनी चार, रूट पांच और रूट पांच पांच होंगे, चार पंजे बीस, तो यानी ये क्या आ गया इसकी वैल्यू आ गई बीस, और रूट तीन का स्क्वायर तीन आएगा, ठीक है, दो रूट पांच जमा रूट तीन, तो ये आ गया आंसर हमारा दो रूट पांच जमा रूट तीन बटा बीस में से तीन गया सत्रह, क्लियर है, ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा सभी क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन बेटा होमवर्क आप भी कीजिएगा, जरूर कीजिएगा कि एक बटा रूट पांच घटा रूट तीन क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर बच्चों, जय हिंद जय भारत, फेवर करें।